माई सेल्फ करण सिंह मरावी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर, एंड माई टॉपिक इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए स्केल, मापनी की रचना कैसे करना है। हमारे पास जो स्केल हैं वो प्लेन स्केल है, डायगोनल स्केल है, वर्नियर स्केल है, स्केल ऑफ कॉर्ड है। तो आज हम देखते हैं प्लेन स्केल, साधारण मापनी की रचना कैसा करना है। तो हमको दिया रहता है सबसे पहले 2 कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल। तो इसमें दिया रहेगा हमको RF, RF इक्वल टू होगा 1/40 एंड मैक्सिमम लेंथ इक्वल टू 6 मीटर एंड सो ऑन स्केल 4.6 मीटर। स्केल बनाने के बाद जो है 4.6 मीटर शो करना है हमको। स्केल में 3 चीज़ है, एक RF है, मैक्सिमम लेंथ है और सो ऑन स्केल है। तो RF क्या है? RF है RF इक्वल टू लेंथ ऑफ स्केल डिवाइडेड बाई एक्चुअल लेंथ। ये होता है RF। अब इसकी वैल्यू दी हुई है हमको 1/40। अब दिया हुआ है उसके आगे मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ है 6 मीटर। तो स्केल बनाने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल बराबर होगा RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। अब इस फार्मूला में इस वैल्यू को पुटअप कर देना है। तो RF की वैल्यू है हमारा 1/40 इंटू मैक्सिमम लेंथ है 6, ये 6 मीटर में दिया है। तो इसको सबसे पहला हम क्या काम करते हैं, इसको सेंटीमीटर में डिवाइड कन्वर्ट करेंगे। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करना है, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दीजिए, 2 2 से इसको काट दीजिए। अब ये हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल, इसकी वैल्यू आ गई। मापनी की लंबाई 15 सेंटीमीटर आ गया। अब सबसे पहला काम है हमको लेंथ ऑफ स्केल, स्केल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो हमको क्या करना है, ये 15 सेंटीमीटर की रेखा सबसे पहले ड्रा करना है, 15 सेंटीमीटर की रेखा सबसे पहले ड्रा कर दीजिए। ये 15 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, 1 सेंटीमीटर इसकी विड्थ ले लीजिए और इसको आगे बढ़ा दीजिए। ये हमको दिया हुआ है मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ इक्वल टू 6 मीटर। अब इस डिस्टेंस को हमको कितने भागों में डिवाइड करना है, 6 डिवीजनों में। तो 6 डिवीजनों में डिवाइड करने के लिए बिलो 90 एक लाइन डाल दीजिए, ये लाइन डाल दीजिए। अब जितने डिवीजन करना है उतने डिवीजनों में इसकी आर्क मार दीजिए। सपोज 6 डिवीजन करना है तो 6 डिवीजन का आर्क मार दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस डिवीजन को इस पॉइंट से आगे मिला दीजिए। रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर की सहायता से इसको यहाँ मिला दीजिए, ये मिल गया। अब इन लाइनों को ऊपर तक ले जाइए,
ये हो गया। अब जीरो यहाँ से स्टार्ट करना है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। हमको जो स्केल बना रहे हैं वो क्या रीड करने के लिए है, टू मीटर एंड डेसीमीटर। मीटर और डेसीमीटर पढ़ने के लिए एक साधारण मापनी बनाना है। जो ये मेन स्केल पढ़ेगा ये क्या पढ़ेगा, मीटर, और मीटर से छोटा क्या होता है हमारा, डेसीमीटर। तो मीटर को अगर हमको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसके 10 डिवीज़न करने पड़ेंगे। 10 डिवीज़न करने के लिए बिलो 90 एक लाइन डाल दीजिए, उसकी 10 डिवीज़न करना है अपन को। तो किसी भी आर्क पे इस लाइन को 10 डिवीज़न कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस वाले पॉइंट को हमको इस पॉइंट से मिलाना है, इस पॉइंट जीरो वाले पॉइंट से मिला दीजिए। रोलर स्केल, स्केल या मिनी ड्राफ्टर की सहायता से इस पॉइंट को इस पॉइंट तक मिलाते जाइए। सभी 10 जो आर्क मारे हैं उसको आगे तक बढ़ाते चलिए, पैरल में सबको ऊपर तक ले जाइए, यहाँ तक इस लाइन तक, ये मिल गए। और जीरो यहाँ से स्टार्ट करना है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 8 9 और 10। अब इस लाइन के पैरल में इन लाइन को ऊपर तक ले जाइए, स्केल या मिनी ड्राफ्टर की सहायता से इन लाइनों को ऊपर तक ले जाइए। ये पहुंच गए। अब हमको क्या दिया गया था, शो ऑन द स्केल, ये दिया गया था 4.6 मीटर। ये जो है क्या पड़ रहा है, ये मेन लाइन में मीटर पड़ता है, और उससे अगर 10 डिवीज़न कर देंगे तो वो पड़ेगा डेसीमीटर, डेसीमीटर, ये डेसीमीटर कर पड़ेगा। तो 4.6 मीटर यहाँ पे इस स्केल में हमको शो करना है। तो 4 क्या है, मीटर है, और 6 डेसीमीटर है, तो 4 मीटर में आ जाइए, 4 मीटर में ऊपर आके लाइन खींच दीजिए, और ये 6 क्या है, डेसीमीटर है। तो 1 2 3 4 5 6 वाले पॉइंट को आप ऊपर ले जाइए, ये ऊपर ले गए। अब इसको जो है HB पेंसिल से 4.6 मीटर ड्रा कर दीजिए, ये स्केल साधारण मापनी है, जिस स्केल पर 4.6 मीटर की डिस्टेंस शो हो गया है। हमको एक साधारण मापनी बनाना था जिसमें 4.6 मीटर की डिस्टेंस शो करना था। हमारा ऑब्जेक्ट था टू कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल ऑफ RF इक्वल टू 1/40 टू रीड मीटर एंड डेसीमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर एंड मार्क ऑन द स्केल 4.6 मीटर। ये हो गया हमारा कंप्लीट स्केल। नेक्स्ट वन एग्जांपल और ले लेते हैं हम। ले लेते हैं एग्जांपल सेकंड, RF। RF इक्वल टू हो जाएगा 1/50 मैक्सिमम लेंथ इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 मीटर एंड शो ऑन द स्केल, शो ऑन द स्केल 3.4 मीटर। सबसे पहले हमको निकालना है लेंथ ऑफ स्केल, मापनी की लंबाई, लेंथ ऑफ द स्केल बराबर हो जाएगा RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। RF है हमारा 1/50 इंटू 5 इंटू 100 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो इसका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मापनी के जो लंबाई निकलेगा वो 10 सेंटीमीटर निकल जाएगा।
अब हमको क्या करना है, इतना लाइन ड्रा कर देना है। 10 सेंटीमीटर लेकर आप लाइन ड्रा कर दीजिए, 1 सेंटीमीटर इसको अपर साइड खींच दीजिए और इसको ब्लॉक बना दीजिए। अब 10 सेंटीमीटर को हमको कितने डिवीजन करना है, 5 डिवीजन करना है, जितना मैक्सिमम लेंथ दिया रहता है। तो बिलो 90 एक लाइन खींच दीजिए, इसके 5 आर्क मार दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। अब लास्ट वाले को इस कॉर्नर से मिला दीजिए, पैरल में इन सभी लाइनों को ड्रा कर दीजिए। ये सब ड्रा हो गया। अब इसके ओरिजिन वर्टिकल के पैरल में इन लाइनों को अपर साइड ड्रा कर दीजिए, ये हो जाएगा। जीरो यहाँ ड्रा करना है, 0, 1, 2, 3, 4। अब ये मेन स्केल क्या पड़ेगा, मीटर, और मीटर से छोटा होगा हमारा डेसीमीटर। तो मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना है, 10 डिवीजनों में डिवाइड करना है इसको। इसको जो है 10 डिवीजनों में डिवाइड कर दीजिए इस डिवीजन को, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इस लास्ट वाले कॉर्नर को इस जीरो वाले लाइन से मिला दीजिए। सिमिलरली सभी लाइनों को जो है इस लाइन तक ड्रा कर दीजिए, ये सभी 10 लाइन जो है इस लाइन तक आ जाएंगे। और मार्किंग जीरो यहाँ से करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10। अब इस वर्टिकल लाइन के पैरल में इन लाइनों को सबको ऊपर तक ले जाइए। जी अब हमको शो ऑन द स्केल 3.4 मीटर, 3.4 मीटर की डिस्टेंस इस स्केल में शो करना है। तो वो कैसा करेंगे, ये 3 मीटर है और 4 डेसीमीटर है, तो 3 मीटर है वहाँ से आपको यहाँ से लाइन ड्रा कर दीजिए, और ये 4 क्या है, डेसीमीटर है। तो 3 मीटर हो गया, 4 डेसीमीटर की डिस्टेंस। अब 1, 2, 3, 4 इस लाइन को आप अपर खींच के बीच में ड्रा कर दीजिए, 3.4 मीटर, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 3.4 मीटर की डिस्टेंस इस स्केल में शो हो रहा है। ये हो गया हमारा कंप्लीट प्लेन स्केल, एक साधारण मापनी। थैंक यू।